अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ पत्ता गोभी और मटर की सब्जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पत्ता गोभी लिया हुआ मैंने 400 ग्राम है। इसको मैंने अच्छे से गर्म पानी और नमक में डालकर इसको मैंने धो लिए हैं। कम से कम 10 मिनट रखा है मैंने इसको, उसके बाद मैंने निकाल लिए हैं पानी से। इस तरह से जरूर धोएं, इसके अंदर जो कीड़े होते हैं वो मर जाते हैं। तो इसी तरह से धो के रखे हैं आप लोग भी। तो चलिए सबसे पहले मैं गैस को ऑन कर लेती हूँ। चलिए गैस मैंने ऑन कर लिया है। 3 से 4 चम्मच मैंने ऑयल ले लिया है, तेल 150 का ये लिया है मैंने। तो ये गर्म हो जाएगा। गैस के फ्लेम थोड़ा सा मीडियम पे कर देते हैं इसको। अब इसमें डालेंगे हम सबसे पहले हींग। ये हींग लिया है मैंने, 1/4 लिया है मैंने, आधे चम्मच से भी कम है ये। आधा 1 चम्मच मैंने जीरा लिया है। ये 1 चम्मच मैंने लहसुन लिया है बारीक कटा हुआ। ये प्याज मैंने 2 लिए हैं मीडियम साइज़ के। इसको हम हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे पहले हल्का सा। और इसमें डाल देंगे ये प्याज, इसको हम ब्राउन होने तक भूनेंगे। देखिए हल्का हल्का ब्राउन हो गया है ये इस तरह से। अब हम इसके साथ साथ डाल देंगे ये मटर। इस मटर को मैंने उबाले नहीं है, ताज़ा मटर रही है। तो हम इसके साथ साथ ही इसको हम पका लेंगे इसके अंदर। ऐसे चाहे तो आप फ्राई कर ले, सबसे पहले इसको हल्का सा तेल डालकर भून ले, तो थोड़ा सा गल जाता है ये। मैं इसके साथ साथ गला लूँगी इसको इस तरह से। प्याज भी ब्राउन हो जाएगा हमारा थोड़ा, और ये मटर भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए साथ साथ ही हल्का हल्का पक गया है। अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर मैंने लिया 1/2 चम्मच। इसके साथ साथ हम इसको पका लेंगे ताकि इसका कच्चापन हट जाए। अब हम इसमें डाल देंगे ये जो पत्ता गोभी लिया हुआ है मैंने, ये डाल दूंगी मैं इसके अंदर। इसको हम मिक्स कर लेंगे इस तरह से। सारा डाल देंगे हम इसके अंदर। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर लिया मैंने 1 चम्मच। 1 चम्मच मैंने लिया धनिया पाउडर। नमक लिया मैंने टेस्ट के हिसाब से। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 3 से 4 मैंने हरी मिर्च लिया है, इसको मैंने बीच से काट लिए हैं। इसको भी डाल देंगे इसके अंदर। बहुत जल्दी बन जाता है ये, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। 5 से 6 मिनट में तैयार हो जाता है बंद गोभी। और भी इसमें डाल देंगे टमाटर, 2 टमाटर मैंने काट के लिए हैं बारीक बारीक। तो इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। हम इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स कर देंगे। नमक देख लेंगे, अगर कम हो तो थोड़ा सा और डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर दिया मैंने इसको। अब मैं इसको ढक दूंगी, 2 से 3 मिनट के लिए ढकूंगी इसको। एक दफे चलाकर इसको देख लेंगे ताकि हमारे जले नहीं। मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे। इसको हम ढक देते हैं 2 मिनट के बाद, फिर देखूंगी मैं इसको। चलिए देख लेते हैं, 2 मिनट हो गया इसको। देखिए बन गया ये, बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हो गया। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। टमाटर भी सारे गल गए हैं और ये भी गल गया है, मटर भी गल गया। देखिए पूरा गल गया है ये। चलिए हम इसको गैस बंद कर देते हैं। तैयार हो गया ये। थोड़ा हम इसमें डाल देंगे ये हरी धनिया। गैस बंद कर देते हैं। चलिए हम सर्व कर लेते हैं। देखिए बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाता है ये। बिस्मिल्लाह। देखिए सर्व कर लिया है मैंने, बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही जल्दी झटपट चटपटा एकदम। तो इस तरह से बनाएं, बहुत ही जल्दी बन जाता है ये। इसको आप रोटी चपाती के साथ, पराठे के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है। इसी तरह से बनाएं। और अगर मेरी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।